अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। कुछ लोग बस यही कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ये कैसा नाम है? अच्छा, घर वाले तुमको क्या नाम से बुलाते हैं? हैं? अच्छा छोड़ो, तुम करते क्या हो? दादी 10 रुपए दे दो, वरना जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बात करना हो तो करो, वरना गूखा के मारो। बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है, और कमजोरी के बाइस इंसान के हाथ में लाठी होती है, और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है, इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है, और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। पढ़ाई करता है? ऊपर देखो, ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी। तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना, बताओ नरेंद्र मोदी का क्या नाम है? तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है तो ये बता, चीन डपाक डमडम क्या होता है? बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? सोच में देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है, थिएटर जाने से क्या फायदा? अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है तो ये बता, चीन डपाक डमडम क्या होता है? ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी।